श्योर होता है, ये विनाश आए जो दुष्कृत भी उसके लिए भगवान को अवतार लेने की सिर्फ इसके लिए जरूरत नहीं, पर और भक्तों की रक्षा करने के लिए भगवान आते हैं। जब भी कोई आपत्ति है, कष्ट है, भगवान अवतार लेते हैं अपने भक्तों को उन कष्टों से मुक्त करने के लिए। पर मोस्ट इम्पोर्टेंटली या मोस्ट सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज भगवान अवतार लेते हैं हमें भगवत धाम वापस बुलाने के लिए। भगवान यहाँ आते हैं इनवाइट अस बैक होम, बैक टू गॉड, मोस्ट इम्पोर्टेंटली भगवान आते हैं। भगवान हमें अपने धाम वापस बुलाने के लिए, और वे हमें हमसे ज्यादा उत्सुक उनके पास बुलाने के लिए, इसीलिए स्वयं आते श्री राम के रूप में, श्री कृष्ण के रूप में और श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में। हम देखते हैं श्री राम भी जब इस धराधाम पे थे, वे सभी को अपना प्रेम, सभी को शरण देने के लिए उनकी एक सबसे बड़ी महानता, मैग्नानिमिटी कहते हैं, कि जो कोई भी उनके शरण में आता है वे उनको स्वीकार करते हैं। अभी श्री राम अपनी इस लीला में साबित करते हैं। हम देखते हैं कि जब विभीषण लंका छोड़कर भगवान श्री राम के शरण में आए, तब सुग्रीव और अनेक जो श्री राम के निजी सेवक थे, उन्होंने भगवान से कहा कि ये तो विभीषण जो है हमारे शत्रु रावण का भाई है, उनको शरण मत दीजिए, ये हमारे लिए खतरा उत्पन्न कर सकता है, वो आखिर तो वो क्या है, वे जो है शत्रु का भाई। भगवान ने कहा कि कोई भी अगोनी जो कोई भी किसी भी भाव से क्यों न वो आए हमारे पास, जो हमारे शरण लेने के लिए आता है, कोई भी क्यों न हो उसको मैं शरण दूंगा। अगर रावण भी अगर मेरे शरण में आ जाए तो मैं उसको शरण दूंगा। ये भगवान की महानता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं श्री राम, श्री कृष्ण, भगवान भगवद गीता में भी भगवान कहते हैं, जो भगवान याद कि मेरे धाम में आ जाओ, उनके धाम क्या वर्णन करते हैं 15वें अध्याय में,
अनेक रूप से विवरण करते हैं। अंत में कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणम। भगवान कहते हैं वापस आ जाओ, छोड़ो। फिर भी इस कलयुग में भगवान कहते हैं कि कलयुग के लोगों का उद्धार कैसे होगा। श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं और श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में तो भगवान ने पूरे पूर्ण रूप से सभी को अपनी कृपा पर सभी के ऊपर उन्होंने नहीं देखा कि ये पापी है, जो भी है सभी लोगों को उद्धार करने के लिए उदाहरण है जगाए और मधाए जैसे पापी घोर पापी का उद्धार करने के लिए भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्री नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर को कहा कि घर घर में जाओ, हर एक घर के अंदर जाओ और उनको भीख मांगो, उनसे भीख मांग कर कहो कि हरि नाम लो, यही भिक्षा जाए। राधा कृष्ण बोल बोल सबको जाकर इस प्रकार से उनको भीख मांग की कृपा करके हरि का नाम लो और इस भौतिक जगत की कलमश इस तवाग्नि से बाहर। तो भगवान इस प्रकार से अवतारित होते हैं। हमें उनके धाम वापस ले जाने के लिए अपनी असीम कृपा हम पतित जीवात्माओं के ऊपर बरसाने के लिए, ताकि हम सभी कष्टों से मुक्त होकर भगवत धाम वापस जा सके। तो आज हम श्रीमद् भागवतम के नवे स्कंद में एक ही श्लोक में पूर्ण जो रामायण की दृष्टि से सुखदेव गोस्वामी देते हैं, जिनके पास नवा स्कंद है वो सकते हैं, पर अगर हम सुनेंगे तो भी काफी है। नवे स्कंद के दसवें अध्याय श्लोक संख्या 2 में देवता जो है प्रार्थना करते हैं। कि कृपया करके हमें भगवान श्री राम बताए। तस्यापि भगवानेश साक्षात् ब्रह्ममयो हरि अम शाम सेन चतुर्धा गान पुत्रात्वं प्रतित सुरे राम लक्ष्मण भारत शत्रुघ्न इति संज्ञय। तो श्री देवता जो है उन्होंने प्रार्थना की और सुखदेव गोस्वामी, क्योंकि रामायण तो बहुत प्राचीन है सब जानते हैं, तो श्रीमद् भागवतम में सिर्फ एक या दो अध्याय जो श्री राम के जीवन, इसीलिए श्री सुखदेव गोस्वामी बहुत शॉर्ट श्री राम की कथा का वर्णन
देवताओं द्वारा प्रार्थना करने पर भगवान परम सत्य अपने अंश तथा अंशों के भी अंश के साथ साक्षात प्रकट हुए। उनके पवित्र नाम थे राम, लक्ष्मण, भरत तथा शत्रु। वे विख्यात अवतार महाराज दशरथ के पुत्र के रूप में चार रूपों में प्रकट हुए। तो भरत, भरत कौन है, लक्ष्मण को, सब कुछ यहाँ पे बनेंगे श्रीमद् भागवतम में। और प्रभुपाद ने भी इस अपने तात्पर्य में ये वर्णन करते हैं, तो थोड़ा सा जल्दी से बात करें पूरी। कथा अनंत है, राम कथा अनंत है, भगवान अनंत है। भगवान की कथा तो चलती ही रहेगी, अंत नहीं हो सकती। पर आज हम थोड़ा सा समय निकाले, वैसे भी उपवास है, आज उपवास है, कथा सुनने से उपवास जो है आसान हो जाता है। उपवास का अर्थ है नजदीक, किसके नजदीक, भगवान के नजदीक रहना। जैसे उपनिषद, उपवास नजदीक रहना। तो इस प्रकार से हम कोशिश करेंगे थोड़ा सा ज्यादा समय में इन कुछ बातों को समझने के लिए, क्योंकि हम कृष्ण के भक्त हैं और कृष्ण के विषय में ही चर्चा करते हैं। पर यही कृष्ण जो है राम के रूप में कौन सी लीलाएं करते, कैसी लीलाएं करते हैं, ये जानना अच्छा है। क्योंकि सामान्य लोग श्री राम को ज्यादा समझ पाते हैं, क्योंकि राम मर्यादा पुरुषोत्तम, विपूर्ण पुरुषोत्तम के अंश है, जैसे कि यहाँ पे बताया है। भगवान अपने अंश, भगवान जो है, भगवान राम और कृष्ण में कोई अंतर नहीं, पर श्री राम जो है भगवान की एक अवतार है, जो आइडियल ह्यूमन बीइंग, मानव के रूप में होता है। तो एक मनुष्य को कैसे रहना चाहिए, एक राजा को का चरित्र कैसे होना चाहिए, ये भगवान श्री राम के रूप में हमें शिक्षा देते हैं। वे अपनी मर्यादा से बाहर नहीं जाते, पर भगवान श्री कृष्ण कुछ भी कर सकते, भगवान कुछ भी कर सकते, कहीं से भी कुछ, दिन को रात और रात को दिन कर सकते हैं। लेकिन और दूसरी अवतार, क्योंकि भगवान कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम, सब कुछ है उनके शरीर में, श्री राम भी है, श्री नरसिंह भी है, सब अवतार जो है भगवान श्री कृष्ण के शरीर में हम पा सकते हैं। तो इसीलिए हम श्री कृष्ण का ये एक रूप और एक लीला को समझने की कोशिश करेंगे। भगवान रामचंद्र तथा उनके भाई लक्ष्मण, भरत, देव और शत्रु, ये सभी जीव तत्व न होकर विष्णु तत्व है, तो ये विष्णु तत्व। भगवान अनेकों अनेकों रूप में अपना विस्तार करते हैं। अद्वैत अच्युत मनादि अनंत रूपम ब्रह्म संहिता में हम देखते हैं। यद्यपि वे सभी एक ही है, किंतु विष्णु तत्व में अनेक रूप एवं अवतार होते हैं। जैसे कि ब्रह्म संहिता में पुष्टि की गई है, रामादि मूर्तिषु, ब्रह्म संहिता में बहुत अच्छी तरह से पुष्टि की, रामादि मूर्तिषु कला नियमेन नानाव अवतार अकरोत् भुवनेषु, किंतु कृष्ण स्वयं संभव परम पुंग गोविंद नारी पुरुष तम
तो ये भगवान की अंश है, क्योंकि यहाँ पे वही बात जो ब्रह्मा जी कह रहे सुखदेव गोस्वामी भी यहाँ पे कह रहे कि भगवान परम सत्य अपने अंश तथा अंशों के अंश के साथ साक्षात प्रकट हुए। भगवान उनके अनेक रूपों में विद्यमान है तथा राम लक्ष्मण भरत तथा शत्रुघ्न और ये रूप उनके सृष्टि के किसी भी कोने में स्थित हो सकते हैं। ये सभी रूप स्थाई रूप से शाश्वत रूप है, ईश्वर के दृष्टि रूप है रूपों में विद्यमान रहते हैं और वे समान शक्तिशाली है, अनेक दीपकों के तुल्य होते हैं। भगवान रामचंद्र लक्ष्मण भरत तथा शत्रुघ्न ये भी विष्णु तत्व होने के कारण समान शक्तिशाली है। तो ये कौन है? विष्णु तत्व, देवताओं के प्रार्थना करने पर ये महाराज दशरथ के पुत्र बने। ये इस प्रकार से श्री सुखदेव गोस्वामी ने वर्णन किया। तो फिर सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि ये राजा परीक्षित भगवान रामचंद्र के दिव्य कारक कार्य कलापों का वर्णन उन साधु पुरुषों द्वारा किया गया है। तो सुखदेव गोस्वामी जिन्होंने साधुओं ने ऑलरेडी किया है, किया हुआ पहले, क्योंकि आप सीतापति रामचंद्र के विषय में बारंबार सुन चुके हैं, तो लोगों ने सुन चुका, सब लोगों ने सुना हुआ है श्री रामायण पहले ही। अतएव मैं इन कार्यकलापों का वर्णन संक्षेप में ही करूंगा, कृपया सुने। तो श्री सुखदेव गोस्वामी यहाँ पे बता रहे हैं श्री राम कथा शॉर्ट। पर अगर हम ये एक श्लोक को समझ ले, पढ़ ले, तो उसमें सब कुछ है। गुरु अर्थे त्यक्ता राज्य व्यचारत अनुवनम पद्म पद्भ्यम प्रियाय पानी स्पर्श अक्षमाभ्याम निजिता पात रुजह हरिंद्र अनुजभ्याम विरूपत्या सुरपनखया प्रिय वीरह घोष आप्रोपित भ्रु विजभम रस्तभिर् बद सेतु कला देवा दहनः कौशल इंद्रः अवतात्नः। तो यहाँ पे बताया गया पूर्ण अपने पिता के वचनों को अक्षर रखने के लिए भगवान रामचंद्र ने तुरंत की राजपद पद छोड़ दिया और अपनी पत्नी सीता देवी के साथ एक जंगल से दूसरे जंगल में अपने उन चरण कमलों से घूमते रहे जो इतने कोमल थे कि सीता का हथेलियां का स्पर्श भी सहन नहीं कर सकते थे।
देखिए कितना सुंदर भगवान के श्री चरण कमलों का वर्णन कर किया जा रहा है। हम जान सकते हैं कि जानकी माता जी सीता देवी कितनी कोमल थी और उनके हाथ उनकी हथेलियां कितनी कोमल थी। पर यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी बता रहे कि भगवान श्री राम के चरण कमल इतने कोमल थे और वही चरण कमल से वे नंगे चल रहे हैं, घूम रहे हैं जंगल में बिना चप्पल बिना, और अगर वे पादुका भी धारण कर रहे, इतनी कोमल है कि उनके वे सीता माता के हथेलियों का भी स्पर्श नहीं सहन कर सकते, तो वर्णन किया जा रहा। अगर सीता माता भी उनके चरण को स्पर्श करेगी, कोमल और वैसे कोमल चरण वाले श्री भगवान राम एक जंगल से दूसरे जंगल में अपने इन चरण कमलों से घूमते रहे, जो इतने कोमल थे कि वे सीता की हथेलियों का स्पर्श भी सहन नहीं कर सकते थे। भगवान के साथ उनके अनुज लक्ष्मण तथा वानरों के राजा हनुमान या एक अन्य वानर सुग्रीव भी थे। ये दोनों जंगल में घूमते हुए राम लक्ष्मण की थकान मिटाने के में सहायक बने, उनकी सेवा लगे। सुर्पनखा की नाक तथा कान काटकर उसे कुरूप बनाकर भगवान सीता देवी से बिछड़ गए। अतएव वे अपने बहों तानक क्रुद्ध होकर और सागर को डराया, जिनसे भगवान को अपने ऊपर से होकर फूल बरसाने की अनुमति दे दी। तत्पश्चात भगवान रावण को मारने के लिए दावनल भी की भांति उनके राज्य में प्रविष्ट हुए। ऐसे भगवान रामचंद्र हम सब की रक्षा करें। ओम अज्ञानति मिरंदस्य ज्ञानंजना श्लाखया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोविष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदामयं ददाति स्वापदंतिकं। वंदेहं श्री गुरु श्रीयुत पदकमलं श्री गुरुन् वैष्णवंश श्री रूपं सहजजातं सर्वं रघुनाथं मितं तं शिवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदां सगणालिता श्रीविशाखावतंश। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। तो आज श्री राम नवमी के शुभ अवसर पर
एंड भगवान श्री राम की लीला जो श्री रामायण के रूप में उपस्थित है, तो इस रामायण से महत्वपूर्ण शिक्षण हम प्राप्त कर सकते हैं, उनकी चर्चा हम करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे भगवान की अनेक लीला के द्वारा। रामाय राम भद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। रामाय भगवान श्री इस श्लोक में वर्णन किया गया। ये भगवान का गुणगान श्री राम रक्ष स्तोत्र में हम पा सकते हैं। इसमें भगवान श्री राम राम भद्राय, भगवान श्री राम ने भद्राचल पर्वत पर वे रह रहे थे, इसलिए राम भद्राय राम चंद्राय, श्री राम जो है चंद्र के जैसे चमकते हुए शीतल करने वाले हैं, इसीलिए उनको रामचंद्र राम ही शाइन्स जस्ट लाइक मून शाइन मून लाइट एट द मून। रामचंद्र चंद्र वे वेदों में ये वर्णन किया गया है कि ये रघुनाथाय रघु वंश के नाथ है। कौन है? रघुनाथ है रघु वंश के नाथ, लॉर्ड ऑफ द रघु डायनेस्टी। सीता सीतापति है और ऐसे भगवान श्री राम उन्हें प्रणाम करता, तो ये प्रणाम मंत्र है श्री राम। रामाय राम भद्राय रामचंद्राय रघुनाथाय नाथाय सीताय पते। भगवान श्री राम और भगवान जब भी प्रकट होते हैं वे अपने छह ऐश्वर्य के साथ प्रकट होते हैं। भगवान अपनी लीलाओं के द्वारा इन सब ऐश्वर्यों को प्रकट करते हैं और इस श्री राम के रूप में वैराग्य रेनाउंसिएशन भगवान राम ने अपने जीवन में अपने जीवन के रूप में हमें शिक्षण मिली किस प्रकार से उन्होंने सब कुछ तो छोड़ दिया राजा बनने, राज अपने राज्य को छोड़ वन में चले, सब कुछ त्याग भगवान श्री राम इस वैराग्य का
प्रतीक है उन्होंने कि उनकी लीला से निशा बदली। भगवान राम परम पुरुषोत्तम, भगवान परम शक्तिशाली। रावण ने सोचा ये क्या भिखारी घूम रहा है, भिखारी की जैसे वन में घूम रहा है, वो क्या कर सकता है हमारा। पर भगवान अगर वैराग्य रिनंसिएशन के रूप में इस भगवान की लीला है, भगवान की शक्ति सीता माता, भगवान की परम शक्ति है। और भगवान की शक्ति अगर कोई छीन ले तो भगवान जो है, चाहे वे कोई भी रूप में है, भिक्षु के रूप में या वनवास के रूप में, उनका नष्ट हो सकता। अगर हम भगवान के बिना भगवान की शक्ति का आनंद लेना चाहते हैं तो हम कभी भी सफल नहीं हो सकते, जैसे कि हम देखते हैं। भगवान मेरा रावण का नष्ट कर, तो नष्ट कर। अगर हम लक्ष्मी को अपनी इंद्र तृप्ति के लिए इस्तेमाल करते हैं बिना श्री राम, सीता राम, सीता नहीं चाहिए। आज समाज में यही है कि भगवान की शक्ति को बिना भगवान के साथ हम आनंद लेना चाहते, बिना भगवान के। और परिणाम यही होगा जो हम यहाँ इस रामायण में देखते हैं। तो ये सबसे महत्वपूर्ण और परित्राणाय साधुनां विनाशाय च दुष्कृत, धर्म की स्थापना, दुष्टों का नष्ट और धर्म को स्थापना। रामायण ज्यादा लोग जाते हैं जानते हैं, इज द विक्ट्री ऑफ गुड ओवर इवन इन वन लाइन। हाउ दैट हैपेंस, that's a big story. तो कुछ शिक्षण है और हम जानते हैं वीरूप गोस्वामी ने भी उपदेश अमृत में हमें कहा असत संग त्याग, क्योंकि असत संग क्या होगा, विनश। हमारी भक्ति क्या होगी, नष्ट हो जाएगी। तो इसीलिए शास्त्र क्या आदेश देता है, साधु संग, साधु के संग में रहो, क्योंकि असत संग का प्रभाव हम इस रामायण में देखते हैं कि किस प्रकार से कैकेयी जो थी वे भगवान श्री राम को भरत से भी ज्यादा प्रेम करती थी, बहुत प्रेम। पर असत संग में आकर मंत्र की असत संग आकर वो दूषित कलुषित हो गए और उसका परिणाम हो गया। तो ये एक शिक्षण, पावर ऑफ बैड एसोसिएशन, बैड एसोसिएशन, बुरे संग को त्यागना है। जो लोग हमेशा
निंदा करते हैं दूसरों की, जो लोग यहाँ वहाँ की बातें करते हैं, क्योंकि मन को जानना बहुत जरूरी है। मन एक खजाना है, वो खजाना जो है वो जो भी अंदर हम सुनते हैं, देखते हैं, सूंघते हैं, स्पर्श करते हैं, सब चीज जो है इस खजाने में स्टोर है। इसीलिए बहुत जरूरी है कि हम मन को भगवान की सेवा में लगाएं, भगवान के भक्तों के संग में रहे, और भक्तों के संग में भी जैसे हम देखते हैं रूप गोस्वामी हमें आदेश देते हैं कि अनेक अनेक प्रकार की श्रेणी के भक्त भी हैं, तो हमें सावधान रहना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ा वैष्णव अपराध है। वैष्णव अपराध से हमारी भक्ति नष्ट हो जाएगी। अगर हम निंदा करते हैं, भक्तों की निंदा करते हैं, तो हमारी भक्ति, और अगर हम महसूस करते हैं कि हम अपनी भक्ति में थोड़ा जो रस कम हो रहा है, तो पहचान लेना चाहिए कि ये वैष्णव अपराध के कारण ही है और कोई नहीं। कि हम देखते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु के कथा में भी, जैसे रूप गोस्वामी वगैरह की बहुत लंबी कथाएं हैं, कि वैष्णव अपराध के कारण जो है हम तुरंत डिफरेंस फील कर, अगर हम डिफरेंस फील करते हैं तो तुरंत हमें सावधान होना चाहिए कि क्या हमने किसी वैष्णव का अपराध किया। इसके वजह से हम दृढ़ता जो थी कम हो गई है, और जनसंग असत्संग का क्या हम लोक, अनेक अनेक लोगों का, भौतिकवादी लोगों का संग कर रहे हैं, नष्ट हो जाएगा हमारी भक्ति। तो इसीलिए यहाँ पे श्री रामायण में भी हमें देखते, श्री राम की इस कथा में हम देखते हैं कि श्री राम जो अपने जीवन चरित्र से वे पूर्ण संतुष्ट थे हमेशा, क्योंकि उनका भाव, उनका लगाव सेवा से था। भगवान श्री राम राजा बनना बनना चुन रहे थे, या राजा बनना स्वीकार कर रहे थे अपने पिता की सेवा। अपने पिता को लगा कि अभी मैं नहीं कर सकता, अभी उम्र हो गई है, मुझे श्री राम को राजा बनाना है। तो भगवान श्री राम ने राजा बनना स्वीकार किया। किसके लिए? अपने पिता की सेवा। और अपने पिता की सेवा के लिए वे पूरा अपना राज्य भी छोड़ने के लिए तैयार थे। तो हमारा लगाव किससे होना चाहिए? हमारा लगाव सेवा से होना चाहिए, पोजीशन से नहीं। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, जो हम श्री राम स्वयं अपने जीवन चरित्र के उदाहरण से और श्री राम का जो उद्देश्य, भगवान का उद्देश्य है, हमारे हृदय के अंदर जो अवगुण है, अभद्र है, उनको नष्ट करना। और श्री राम ने
ये आसुरी प्रवृत्ति जो है हमारे हृदय से निकालने के लिए, असुरों का वध करने के लिए भगवान ने अपने राज्य को छोड़कर वन में गए। उनका उद्देश्य, जैसे हमने पहले भी बताया था कि भगवान का उद्देश्य है कि हमें मुक्त कर दे, हमें इस भव रोग से छुटकारा दिला दे, यही उनकी इच्छा है। तो श्री राम सेवा में हमेशा हमें रहना चाहिए, जैसे हम श्री रामायण में देखते हम भक्ति के मार्ग पे आते हैं और भक्ति के मार्ग में हम लगे हैं, फिर भी अगर हम उत्साहित नहीं रहेंगे और हम सोचेंगे कि बहुत भक्ति कर ली, थोड़ा आराम की जरूरत तो आराम, और राम राम। आज सुबह किसी ने कहा कि, मैंने कहा कि क्या हुआ आज जल्दी नहीं उठ पाए, तो बोले आराम। मैंने बोला वेरी गुड, आराम से राम चले जाएंगे। और यही हुआ यह अयोध्या वासियों, जब अयोध्या वासी भगवान के साथ जाना चाहते, भगवान के पीछे पीछे आ रहे थे वन में जाने के लिए, अपना सब कुछ छोड़कर भगवान सामने है और वे सब सो गए आराम। और जब उन्होंने आराम किया तो भगवान चले गए उनको छोड़कर। तो हमेशा हमें राम की सेवा में, लक्ष्मण उदाहरण है, हनुमान जी उदाहरण, उनसे बढ़कर तो भगवान की सेवा। तो इसीलिए हमें सावधान रहना चाहिए, उत्साहन रहना चाहिए। अगर हम उत्साहित नहीं रहेंगे, अगर हम आलस करेंगे, तो हमारा भक्ति का रस जो है, भक्ति रस, टेस्ट पर भक्ति बिल्कुल, क्योंकि हम मन के साथ, हमारा मन को वश में करना और मन हमें कहाँ से कहाँ ले जा सकता है वो हम जान भी नहीं सकते हैं कैसे। तो इस प्रकार से हमें जो कुछ भी हम करते हैं भगवान के प्रसन्नता के लिए करना चाहिए। भगवान जो चाहते हैं वही करना चाहिए। जैसे कि भगवद गीता में अर्जुन कुछ चाह रहा था पर भगवान कुछ और चाह रहे थे। भगवान अर्जुन युद्ध को छोड़कर वन में जाना चाहते, भगवान ने कहा नहीं युद्ध करो। अर्जुन ने कहा, जब भगवान ने उनको समझाया तो अर्जुन समझ गए और उन्होंने जो भगवान ने कहा वही। रामायण में भी हम देखते हैं कि भरत जो है राज्य को छोड़कर वन में रहना चाहते कि मुझे आपके साथ यहाँ रहना है, और भगवान ने कहा कि नहीं, आप जो है फिर चले जाओ, उनको अच्छा नहीं लगा।
कभी कभी भगवान की क्या इच्छा होती है हमें अच्छा नहीं लगता, लेकिन भगवान की इच्छा के अनुसार हमें चलना है। तो भरत नहीं चाहते थे, पर भगवान को प्रसन्न करने के लिए, भगवान की आज्ञा का पालन करने के लिए वे जो है अयोध्या वापस चले गए। भोक्ताराम तपस्वी, भोक्ताराम यज्ञ तपस्वी, भगवान भरत जो है जानते थे कि श्री राम, सब कुछ श्री राम का है, ये राज्य भी श्री राम का है, और उन्होंने श्री राम की ओर से उन्होंने अपने कर्तव्य को निभाया। उनके पादुका जो है उनके आसन पर रखकर राज्य चलाया। इसी प्रकार जो है हम भी, सब कुछ भगवान के का है और हम भगवान की ओर से सब कार्य कर रहे हैं, चाहे वो प्रचार, चाहे वो मंदिर मार्जनम, चाहे वो अर्चनम, कोई भी सेवा जो हम कर रहे हैं, हमें ये समझना चाहिए कि हम भगवान की ओर से, भगवान ही हमारे मालिक है। वी आर जस्ट केयर टेकर्स, हम तो सिर्फ नौकर है, मालिक तो भगवान। वे कुछ भी हमें दे सकते, कुछ भी ले सकते हैं हमसे, और एक सेवक या नौकर अपने मालिक से जो कुछ भी पाता है वो जो है खुशी से स्वीकार करता है, और जो कुछ भी मालिक उनसे ले लेता है उसको भी खुशी से स्वीकार कर। तो अगर ऐसी भावना हम में हो तो कभी भी हम असंतुष्ट, क्योंकि हम इस देहात्म बुद्धि, अहंकार और इस भावना में है कि सब कुछ हमारा है, जो भी इस भौतिक जगत में, तो जब उसे खोते हैं तो हम दुखी हो जाते। अगर समझ लो, अगर समझ लो कि हम जो इस भावना से रहें कि ये सब भगवान का है, भगवान की ओर से हम कर रहे, या समझ लो सामान्य रूप से हम कहीं कुछ चीज को देखते हैं, हम जानते हैं कि किसी और का है और हम उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उससे लगाव नहीं होता, तो हमें इस लगाव से मुक्त होना बहुत जरूरी है। जब हम इस प्रकार से सुन, अगर कुछ खो भी गया तो ये तो हमारा तो था ही नहीं, कुछ हमारा है नहीं। दुख होता है, थोड़ा तो लगता है, क्योंकि हम स्वाभाविक मनुष्य है, एज ह्यूमन बींग वी फील, बट हम सोचते हैं कि ठीक है भगवान की इच्छा, और फिर हम अपना भक्ति में लग जाते हैं। ये पटरी से थोड़ा उतर गए तो पटरी पे आ जाओ वापस, दुख आसान है लेकिन सुख में तो बहुत कठिन है। इसीलिए तो कुंती महारानी ने प्रार्थना की, क्योंकि अगर सुख सुख आ जाए तो फिर हम भगवान को कैसे याद कर सकते, भूल जाएंगे, है कि नहीं। दुख आता है तो एटलीस्ट भगवान का स्मरण होगा,
हम भक्ति में और ज्यादा चैंटिंग करेंगे, जैसे कि सब ग्रुप चैंटिंग करो, एक एक्स्ट्रा माला, दो माला, तीन माला, हो जाता है। तो इसके लिए हम अगर ऐसे जाने तो हम कि भोक्ता कौन है, भोक्तरम यज्ञ। तो हम देखते हैं कि रामायण में भक्ति जो सीता देवी है, भक्ति को हम ऐसे छीन कर नहीं प्राप्त कर सकते जैसे रावण रावण ने सोचा कि सीता देवी को मैं छीन के ले लूंगा। छीन के लेने से उसको क्या मिला? माया सीता मिला, और क्या? माया सीता, इसे माया। तो माया बहुत प्रबल है, जैसे हम देखते हैं कि भगवान जो एक हिरण के रूप में, स्वर्ण हिरण के रूप में आए, तो भगवान उनके पीछे गए, क्योंकि भगवान ये देखा कि माया का रूप नहीं पहचान सकते, वो कैसे रूप में आएगी, वो कैसे हमें भ्रमित करेगी। जैसे कि मकड़ी जो है, मकड़ी का जो वेब है वो इतना अच्छा रहता है कि वो मक्खी को पकड़ लेती है, मक्खी फंस जाती है उसमें। तो ये माया का ट्रैप ऐसा है, और ये माया का ट्रैप वर्ल्ड WWW, गूगल, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा, ट्रैप माया, ट्रैप कर। अगर हम भगवान को उसमें नहीं जोड़ेंगे तो माया हमें, क्योंकि माया हमारी कमजोरियों को जानती है। कमजोरी को जान, और इस बहुत सारी चीजें इस रामायण से हमें शिक्षा मिलता है। दूसरा महत्वपूर्ण शिक्षण श्रद्धा और सबूरी। सबूरी श्रद्धा, पेशेंस, दृढ़ता, उत्साह, निश्चय, धैर्य, त्रिवर्जन। हम देखते हैं, आपको पता है रामायण किसके जीवन में देख, श्रद्धा, उत्साह, निश्चय, धैर्य, हनुमान नो माता ही हनुमान शबरी समथिंग बेटर, सबरी। हाँ, धैर्य रखना, दृढ़ता, पेशेंस, डिटर्मिनेशन एंड एंथुजियाज्म। इतने साल बहुत बहुत पहले उनके गुरु ने उनको बताया कि आपकी सेवा से अस्य प्रसाद, गुरु प्रसाद, भगवत प्रसाद। क्या है कि राम जी आएंगे, तो आप यहां पे जरूर आएंगे। तो वही उत्साह से, जोश में अपनी सेवा, भगवान श्री राम के स्वागत के लिए वे उस जगह, उस आश्रम में जा रहती थी, वे जो है उसको साफ करती थी, भगवान की फूल माला बनाती थी, फूल के और बहुत सारे अच्छे अच्छे फल जो है भगवान के लिए रोज। जवान थी, बूढ़ी हो गई, पर एक दिन भी उसने एक सेवा नहीं छोड़ी। निश्चित रूप से धैर्य से
हमें धैर्य रखना है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, धैर्य। अरे हम तो अभी इतना साल, 2 साल हो गया, हरि नाम कर रहे, कुछ रिजल्ट नहीं मिला, कब दिखेंगे भगवान? 10 साल हो गया, 20 साल हो गया, भगवान नहीं दिख रहे, भगवान आ ही नहीं रहे, भगवान हमको दिखते ही नहीं है, हमको इतना कष्ट दे रहे हैं, हमको कितना कष्ट है कि नहीं, ये लोग सब बोलते रहते हैं। तो ये तो भगवान स्वतंत्र, स्वराट, स्वतंत्र, वे जब चाहे जो चाहे कर सकते, और भगवान जब चाहेंगे तब आएंगे, पर आएंगे जरूर, पर वे उनको ऊपर छोड़ना है, उनका कि कृष्णा अभी प्रकट हो जाओ हमारे सामने, अभी अभी, आई वॉन्ट यू नाउ 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 नाउ, स्वराट। किस प्रकार से हमें सबरी देख सकते हैं, किस प्रकार से उन्होंने अपने जीवन में पूर्ण रूप एवरी डे कौन कर सकता है, जिस हमारे शास्त्र जो है हमें सबसे ऊंचा उदाहरण देते हैं। तो कोई ने कैसा कि अरे हम सो तो उससे बड़े हैं, नहीं, शबरी को कोई ये कर सकता है, अर्जुन को कोई कम्पीट कर सकता है, पांडवों को कोई कम्पीट कर सकता है, परीक्षित महाराज से कोई कम्पीट कर सकता है, अम्बरीश महाराज, प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज, हाईएस्ट एग्जाम्पल, तो ये जानना जरूरी है। पर अगर हम इसमें से थोड़ा भी करें तो हम सुरक्षित, हम उनकी नकल तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन उनके पद चिन्हों के अनुसार चलना, जो रूप गोस्वामी कहती हैं अपने उपदेश अमृत में भी, कि हमें पूर्व आचार्य के पद चिन्हों के अनुसार चलना, अब हमें पूर्व भक्तों के पद चिन्हों के अनुसार चलना चाहिए, हम उनको निकल उतारना नहीं चाहिए, हमें उनके साथ कॉम्पीट करने की कोशिश नहीं करना चाहिए, शुद्ध भक्ति, शुद्ध प्रेम, और भगवान जो है प्रेम के मोह, प्रेम से आते हैं, प्रेम जब हमारा बढ़ जाता है, सिर्फ भगवान और कोई भी नहीं बीच में होना चाहिए, तब भगवान हमें स्वीकार कर लेते हैं, तो हम देखते हैं, और हम कोई भी आवरण अगर करके जाएंगे भगवान के सामने, अगर हमारा आवरण होगा, जैसे कि हनुमान जी एक साधु के रूप में भगवान के सामने चले गए, भगवान ने उनको पहचान लिया, तो हम भगवान के सामने जैसे ही वैसे ही हमें जाए। अगर हमें अवगुण है तो भगवान को कहना है कि हमें अवगुण है, हमारे अवगुणों को आप चित्त ना धरो, इस अवगुणों को आप जो है दूर करो, मैं तो पतित हूं, निम्न हूं, मुझ में कोई शक्ति नहीं है कुछ भी करने के लिए, अगर जो कुछ हम कर रहे हैं ये आपकी कृपा से हो रहे हैं, पर मैं इस भवसागर में डूबा हुआ हूं, इस भवसागर से हमें निकाल, तो भगवान हमें अपने ऊपर कृपा कर देंगे। भक्ति के मार्ग पे बहुत सारे रुकावटें आती, और ये रुकावटें हम देखते हैं हनुमान जी के जीवन में, क्योंकि हनुमान जी भगवान के भक्त हैं, भगवान के परम दास के रूप में, भगवान की सेवा में
हम देखते हैं कि जब वे लंका, भगवान ने उनको मिशन पे भेजा, मिशन पे वो लंका, तो कहानी की सीता लेते, जाके देखो क्या हो रहा है वहां पर। भगवान की सेवा में हमें कहीं पे भी जाना क्यों ना हो, हमें जाना चाहिए भगवान के आदेश के अनुसार। भगवान ने आदेश दिया लंका चले जाओ, पर उसमें बहुत सारी बाधाएं भी आ सकती है, जैसे कि हनुमान जी ने अनुभव किया। मैनाक के रूप में, सुरसा के रूप में, सिमिका के रूप में, लंकिनी के रूप में। तो जब हम ऐसे करते हैं तो है रुकावटें, और सबसे बड़ा है ये मैनाक। अरे तुम इतना दूर से उड़ के आए हो, तुम थक गए हो, थोड़ा आराम करो, आराम करो। आराम करने के बाद आप अपना काम करो, तुम सेवा में लगे हो, तुम खा रहे हो, पी रहे नहीं हो, सेवा के लिए तुम थोड़ा तो आराम करो। लेकिन भगवान का जो आदेश, भगवान का जो कार्य, करने के पहले कोई आराम, जो हनुमान जी ने अपने जीवन में। फिर भी मैं, हनुमान जी ने उनका मान रखने के लिए थोड़े देर के लिए ऐसे बैठ के तुरंत चले, रुके नहीं। टेम्पटेशन टू सीक कंफर्ट बिफोर अचीविंग अ रियल गोल, ये एक मैनाक हम देखते हैं। सुरसा, लोग हमारी निंदा करेंगे जब हम भक्ति में आते, तो हमें इनको टॉलरेट करना चाहिए, इसको सहन करना चाहिए। वेल सर्विंग फॉर भक्ति, पीपल विल क्रिटिसाइज, मिसअंडरस्टैंड। वी हैव टू हैव द विलिंगनेस टू टॉलरेट, इसको टॉलरेट करना। ये सिमिका, ईर्ष्या, लोग ईर्ष्या करें जब हम ऊपर पोजीशन में रहते हैं, बहुत लोग जो ईर्ष्या करते हैं, कर सकते हैं हमें नीचे उतारने के लिए, जैसे कि सिमिका। पर हमें अपने लक्ष्य को के ऊपर दृष्टि रखनी चाहिए, अपने मन में रख के हमें आगे बढ़ना चाहिए। या बड़े, हम इस भव सागर को पार कर सकते हैं भगवान श्री राम का नाम लेकर। जैसे हम देखते हैं कि सब जो छोटे बड़े जितने भी बंदर थे, भालू थे, सब लोग ने जो सागर को पार किया भगवान का नाम लेते हुए। तो भगवान का नाम जिस प्रकार से छोटे और बड़े जो पत्थर थे, वे सब तैर रहे थे, श्री राम का नाम है। तो जिसने श्री राम का नाम अपने मुख पे लिया है, वो इस भवसागर को आसानी से पार कर सकता। तो ये राम के नाम की शक्ति और राम की भक्ति परम है। बहुत सारी चीजें है इस रामायण में, शिक्षण बहुत पा सकते हैं। पर यहाँ पे हम विश्राम लेते हैं, क्योंकि सबसे ऊंचा है भगवान का नाम। अगर कुछ भी अगर हमें समझ में नहीं आए, कुछ भी अगर हम नहीं जानते, श्री राम का नाम, श्री कृष्ण का नाम,
कृष्ण महामंत्र का क्या इस उपहार को हम अपने जीवन में उतारे तो सब कुछ संभव हो सकता है। ये श्री चैतन्य महाप्रभु का दिव्य देन है हम इस कलयुग के पतित लोगों के लिए। तो धनराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्री राम नवमी महामहोत्सव की जय, सीता राम लक्ष्मण हनुमान की जय। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच। किसी का कुछ प्रश्न है?